हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कोई एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं लेके आया हूं, ना ही कोई मैं आपके लिए एजुकेशनल न्यूज़ लेके आया हूं। तो अभी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जैसा आप जानते हैं चमकी बुखार, आपने नाम सुना होगा। तो चमकी बुखार काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और इसने बिहार का मतलब काफ़ी बिहार के अंदर दहशत मचा रखी है और इसके बाद देश के काफ़ी जगह ये बीमारी फैली हुई है, ये बुखार फैला हुआ है। तो इससे छोटे छोटे बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से, हालांकि मैं बिजी हो गया था बीच में, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो मैंने नेट से सर्च किया है या जो भी मैंने मतलब न्यूज़ वगैरह से देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने आसपास सभी को अवेयर करें। यानी कि सिर्फ वीडियो, और ना मैं ये वीडियो ऐसे बना रहा कि मुझे अर्निंग मिले, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये मैसेज जरूर पहुँचाएं। तो साथियों, चमकी बुखार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप अगर वीडियो देखें तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, देखो आपका जो एक शेयर है हो सकता है किसी की ज़िंदगी बचा दे। तो आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं, सभी के घर में बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो किसी को मतलब नुकसान ना हो, सावधानी से बचाव हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले चमकी बुखार क्या है? चमकी बुखार एक ऐसा बुखार है जिससे शरीर में शुगर मतलब शुगर लेवल कम होता है, इसके बाद शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, मतलब काफ़ी ऐसी कमियां होती हैं। इसके बाद बच्चे में क्या होता है या जो भी बड़े हैं, हालांकि बड़ों में इतना इसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा, तो इसमें क्या होता है, चक्कर आते हैं, ऐठन होती है शरीर के अंदर, इसके बाद चक्कर होने के बाद मतलब बुखार होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके बाद बच्चे की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया कि क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं शरीर में, हालांकि बोलते हैं कि दाग वगैरह भी हो जाते हैं, मतलब दाग वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, या मतलब चमकीला शरीर हो जाता है, कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चों को कोई भी बुखार हो रहा है तो आप बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, कोई भी, क्योंकि होता क्या है कि रात को बच्चा सही सोया, सुबह बीमार हुआ और उसी दिन उसकी डेथ हो गई, ऐसे भी बहुत मामले दिख रहे हैं। मतलब आप एक दो घंटे भी ना लगाएं, बच्चे को तुरंत ले जाएं, बच्चों को सर दर्द हो, चक्कर हो, कुछ भी ऐसा दिखने को मिले। इसके बाद हम बताते हैं कि मतलब इसका कारण क्या है, जो अभी शोधकर्ताओं से पता चला है। तो सबसे पहले आप बच्चों को धूप से दूर रखें, ह्यूमिडिटी का मुख्य कारण बताया गया है, ह्यूमिडिटी से, गर्मी से मतलब बच्चे बीमार होते हैं और उससे मतलब उनके अंदर कमियां आ जाती है और इसी वजह से बच्चे की मतलब डेथ हो सकती है। इसके बाद अधिक से अधिक पानी का आप सेवन कराएं और लीची का प्रयोग, जो मतलब मैंने पढ़ा है, मैंने काफ़ी जगह देखा है, तो लीची की वजह से भी मतलब ये बुखार हो रहा है, तो लीची का आप प्रयोग ना कराएं, खाली पेट लीची, हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि खाली पेट लीची ना खिलाएं। देखो साथियों, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं कि खाली पेट, अगर नुकसान हो रहा है तो आप वो चीज़ खिलाएं नहीं, मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, जंक फूड बच्चों को ना खिलाएं। जंक फूड का मतलब होता है तला भुना जो खाना होता है, मार्केट में मिलता है, पकौड़े वगैरह, टिक्की वगैरह, जो भी ये चीज़ें हैं। इसके बाद तो मतलब बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाएं, ग्लूकोज पिलाएं और अपने आसपास मतलब कोई भी गंदगी ना रखें, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को धूप में ना घूमने दें। तो इसके बाद जो और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, इससे क्या है, जो चमकी बुखार है, इससे जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 10 साल तक के बच्चे हैं जो लगभग, उन पे ज़्यादा इसका प्रभाव हो रहा है। और अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, टाइम टू टाइम उनका ट्रीटमेंट कराएं। और अब ऐसा नहीं है, देखो अगर आप टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट कराएंगे तो उन बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब सभी की डेथ हो रही है, उन बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप अपने आसपास अगर कोई भी ऐसा केस देखते हैं, बच्चों को बुखार होती है या मतलब चकता सा शरीर पे जम जाता है, निकलने लगता है, तो ऐसा भी अगर कोई आप केस देख रहे हैं तो बच्चों को तुरंत ले जाएं। तो साथियों, इससे क्या हो सकता है, देखो आप लोग फनी वीडियोस, न्यूज़ वगैरह शेयर जरूर करते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप ये मैसेज भी जरूर शेयर करें, जिससे किसी का भला हो सकता है, तो आप ये काम जरूर करें, ये वीडियो जरूर शेयर करें एक दूसरे के पास। तो यही अपडेट है आप लोगों के लिए, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी लगा मुझे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।